श्रीगंगानगर सेठ जीएल बिहानी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट तथा आरडी बर्मन फैंस क्लब संस्था यानी आरडीबीएफसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रही गायन प्रतियोगिता द वॉयस ऑफ श्रीगंगानगर का पहला ऑडिशन रविवार को एसडीपीजी कॉलेज के प्रांगण में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जिले भर से लगभग 600 बच्चे युवक व युवतियों ने आवेदन किया है। सुबह से ही एसडी कॉलेज प्रांगण में प्रतिभागियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरडीबीएफसी द्वारा अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। कार्यक्रम में सेठ जीएल बिहानी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष जयदीप बिहानी, एसडी लॉ पीजी कॉलेज प्रबंध समिति के समिति के सचिव विमल बिहानी, ट्रस्ट के निदेशक डॉक्टर एमएल शर्मा, उप निदेशक कमलजीत सिंह सूदन, प्राचार्य डॉक्टर वरुण माहेश्वरी आदि ने शिरकत की और प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया। आरडीबीएफसी के संस्थापक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि द वॉयस ऑफ श्रीगंगानगर के लिए जिले के युवक युवतियों में भारी उत्साह देखा गया। काउंटर पर फॉर्म चेक कर प्रतिभागियों के टैग नंबर लगाए गए। वहाँ से ऑडिशन देने के लिए एक एक करके ऑडिशन रूम में भेजा गया। ऑडिशन के लिए 4 साउंड रूम बनाए गए थे जिसमें 8 निर्णायकों ने प्रतिभागियों को सुना। चौहान ने बताया कि 9 से 17 आयु वर्ष के लिए अंजू बोरड व गौरीशंकर बंसल व 18 से 25 आयु वर्ग के लिए दौलत अनपढ़ व आशा सोबती निर्णायक रहे। इसी प्रकार 9 से 17 आयु वर्ग के लिए पूर्ति जैन व दिलीप माथुर तथा 18 से 25 आयु वर्ग के लिए शालिनी तंवर व सुभाष शर्मा गोगी ने निर्णायक की भूमिका अदा की। चौहान ने बताया कि देर शाम तक चले ऑडिशन के बाद सफल प्रतियोगियों की प्रतियोगिता के अगले राउंड में बुलाया जाएगा, जो 5 जनवरी को एसडीपीजी कॉलेज के प्रांगण में स्थित सेठ सुशील कुमार बिहानी ऑडिटोरियम में होगा। द वॉयस ऑफ श्रीगंगानगर का खिताब जीतने वाले विजेता को नगद पुरस्कार के साथ नामी बॉलीवुड सिंगर के साथ गाना गाने का मौका मिलेगा। आरडीबीएफसी द्वारा विजेता का गीत भी रिकॉर्ड किया गया जाएगा। उप विजेताओं को भी आकर्षक पुरस्कार मिलेंगे।